नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादरिया। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर। आज हम बात करेंगे सरसों की 5 टॉप किस्मों के बारे में। उनकी जो बोने का टाइम है वो कब है और उनकी क्या खास विशेषताएं हैं, तो चलो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सरसों की 5 जो मुख्य किस्में हैं या टॉप किस्में हैं उनके बारे में। तो उनके अंदर सबसे पहले जो एक नंबर जो आती है या नंबर 1 पे जो है वो है हमारी प्रो एग्रो 5210। और उसके बाद हम बात करेंगे जो पायनियर की है 45 से 46 के बारे में। फिर हम बात करेंगे श्री राम की 1666 है, और प्रो एग्रो 5222 है, और एडवेंटा 414 है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करें भी कौन सी जो वैरायटी है वो सबसे बेस्ट मान जाती है, और किस एरिया के अंदर आप इन क्रॉप कर इन वैरायटीज़ जो है इनकी वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक नंबर पे आती है वो है दोस्तों हमारी इसके अंदर बायर की प्रो एग्रो 5210। इसकी जो खास विशेषता दोस्तों ये है भी सरसों के अंदर जो सफ़ेद तेल है और चेपा जैसी की समस्या होती है वो इस वैरायटी के अंदर नहीं होती, अगर होती है तो भी नाम मात्र के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे इसकी उपज के बारे में। तो इसकी जो उपज है दोस्तों, जो उत्पादन है इसका, वो 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। तो अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में जो कि किसान भाइयों की सबसे फेवरेट मान जाती है और जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं किसान भाई, वो है पायनियर की 45S46। और इसकी जो हम बात करें दोस्तों, ये 125 से 130 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है, और इसके अंदर जो ऑयल की मात्रा है वो भी ज़्यादा होती है। और अब हम इसके बात करें अगर दानों के बारे में बात करें तो इसके जो दाने होते हैं वो भूरे काले रंग के होते हैं, और उपज इसकी वो है 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। अब हमारी नंबर 3 पे जो आती है वो है श्री राम 1666। ये भी एक अच्छी वैरायटी है दोस्तों। इसकी जो क्रॉप है वो 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, और इसका जो औसतन जो उत्पादन होता है वो 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त होता है। ये भी दोस्तों एक अच्छी किस्म है। अब हम बात करेंगे हमारी नंबर 4 पे जो किस्म आती है वो है प्रो एग्रो 5222। ये भी बायर की है, और इसके दोस्तों जो ये फसल है इसकी 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, और इसका जो दाना होता है वो मोटा और गहरे भूरे रंग का होता है। ऑयल की जो मात्रा होती है इसके अंदर 41 से 42% तक होती है। अगर हम इसकी उपज की बात करें तो इसकी जो उपज होती है वो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम हमारे जो नंबर 5 वैरायटी है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो है दोस्तों एडवेंटा 414, जिसकी जो उपज होती है वो औसतन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, और ये भी एक क्या है 120 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको 5 वैरायटियों के बारे में बताया जो कि सरसों की टॉप मोस्ट वैरायटियाँ हैं। आप इनको लगाकर अच्छा जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त कर सकते हैं सरसों के अंदर। अब हम बात करें भी जो ये वैरायटियाँ आप इनको किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो ये जो दोस्तों ये सभी 5 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है, ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, इन एरियो के अंदर इनको आप इनको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जो अपना क्लाइमेट है वो इसको सूट करेगा। और दूसरी बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, आप जब भी दुकान से या कहीं से भी सीड लेते हैं तो उसके ऊपर जो डेट होती है, जो भी कब का बना हुआ है सीड, वो ज़रूर देखें, नया सीड ही लें, क्योंकि अगर पुराना सीड लेंगे तो उसके अंदर क्या जर्मिनेशन परसेंट, अंकुर जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो आपको उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं जो अपनी पुराना बीज है उसी को दोबारा बुआई कर देते हैं, तो उससे आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।